नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज़ और मैं हूं रवि शर्मा। इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है जीरो ब्रिज राजबाग श्रीनगर से। आपको फिर से बता दें कि जीरो ब्रिज राजबाग श्रीनगर में एक ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें तीन जो सुरक्षा बल के जवान, जो आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास आ रही है कि तीन लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से एक ट्रैफिक पुलिस का जवान भी है। जी हां, बड़ी खबर इस समय, सब तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे पहले जेकेसी आपको बता रहा है कि श्रीनगर जीरो ब्रिज जो राजबाग है वहाँ पर ग्रेनेड अटैक जो है वो हुआ है, जिसमें तीन लोगों के घायल होने का समाचार इस समय हमारे पास आ रहा है, जिनमें से एक जो है ट्रैफिक पुलिस का जवान है। फिर से आपको बता दें कि कुलगाम जिला है, छलन एरिया जो है कुलगाम का, वहां पर आज एक मिलिटेंट जो है उसमें उसको सुरक्षा बल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा गिरफ्तार किया गया। और उसके कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि श्रीनगर का जो जीरो ब्रिज राजबाग है वहां पर एक जो ग्रेनेड हमला है वो हुआ है, जिसमें तीन लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जो हैं श्रीनगर से शबरियाज अहमद जो हैं वो जुड़ चुके हैं। शबरियाज, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शबरियाज, आप बताएं कि किस तरह का ये धमाका हुआ और धमाका कब हुआ ये? देखिए, धमाका कुछ 15 मिनट पहले हुआ है जीरो ब्रिज राजबाग, जो पुल पड़ता है, जो शहरी श्रीनगर घंटाघर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर मिलिट्रेड द्वारा ग्रेनेड अटैक हुआ है। अभी जो बताया जाता है कि तीन जो एक ट्रैफिक पुलिस का कर्मी जो है वो जख्मी है, और दो के बीच शिनाख्त नहीं हो रही है, लेकिन ताहम अभी तक जो यहाँ पर चोटी है वो सख्त हाई अलर्ट पर की गई है। वो साथ साथ अगर देखा जाए कि आने और जाने पर जो लोग हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। शबरियाज, हमें बताएंगे कि जब ये धमाका हुआ, क्या जो लोग इसमें जख्मी हुए, जिस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस का जवान जो बताया जा रहा है, और दूसरे दो जो लोग हैं ये लोग कौन हैं, आपके पास कोई समाचार इसका आया है अभी? देखिए, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ के हैं। अभी थोड़ी देर में उसकी पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन आपको पता ही होगा कि परसों भी एक अटैक हुआ लाल चौक में, वो जहाँ पर जो मिलिटेंट द्वारा अटैक हुआ जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तब से अभी तक जो हाईलाइट पर है श्रीनगर 26 जने भी आने वाला है हाईलाइट पर कर दिया है। लेकिन कुछ ही मिनटों में 15 मिनट पहले ही राजबाग जीरो भी जहाँ पर शहरी खास जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑफिस भी बनता है वहीं पर एक अटैक हुआ है। तो शबरियाज, अभी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वहाँ पर इस समय चल रही है? जी, सुरक्षा इस वक्त बड़ी पैमाने से चल रही है, वो देखा जाएगा तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों पर नजर रखे हुए, और जो वहाँ पर आम लोग चल रहे हैं उन पर भी नजर रखे हुए, सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम किए और नाके भी सख्त से सख्त लगाए गए। शबरियाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम जानकारी के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। जी हाँ, ये थे हमारे सहयोगी शबरियाज, जो कि इस समय मौका वारदात पे हैं। आपको बता दें कि राजबाग जीरो ब्रिज जो है श्रीनगर का, वहाँ पर एक जो मिलिटेंट अटैक हुआ है, ग्रेनेड जो है हमला वहाँ पर हुआ है, जिससे तीन लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, और एक जो ट्रैफिक पुलिस का कर्मी बताया जा रहा है, और दूसरे दो लोग जो हैं वो अभी तक उनकी पहचान जो है वो नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये धमाका जो है, आपको फिर से बता दें कि कुछ देर पहले जो साउथ कश्मीर का कुलगाम जिला है और वहाँ के छलन एरिया जो है वहाँ से आज सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक मिलिटेंट जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कल भी एक मिलिटेंट जो था उसके द्वारा सरेंडर किया गया था, और दिल्ली की बात करें तो दो मिलिटेंट जो हैं वो दिल्ली से भी पकड़े गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, और आज जैसे ही एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया और उसके कुछ देर बाद श्रीनगर जीरो ब्रिज राजबाग की बात करें तो एक ग्रेनेड हमला वहाँ पर होता है, जिसमें तीन लोगों के घायल होने का समाचार हमारे पास आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही एक नई अपडेट आएगी फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे। देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। रवि शर्मा, जम्मू।